हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस आ जाओ दोस्तों फटाफट फड़ से सब लोग मेरा नाम है शुभम सुहला और मैं हूँ एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट दोस्तों आ, नीट यूजी में केमिस्ट्री आप लोगों को हेल्प करता हूँ आप लोगों की यहाँ पर तो दोस्तों मैंने फाइनल ईयर में अराउंड मतलब फाइनल ईयर नहीं सॉरी मैंने अपने केमिस्ट्री में 148 मार्क्स स्कोर किए थे दोस्तों अब uh, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ आप लोग केमिस्ट्री में आराम से स्कोर यूज कर लो और आप लोगों को एक रेफरल कोड देता हूं जिसका आपको ऑफर मिलेगा जिसपे आपको टेन परसेंट ऑफ होगा दोस्तों एस एच यू बी वन टेन परसेंट ऑफ ऑन अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म दोस्तों ठीक है दोस्तों उसके साथ साथ मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन पर जहां पर आप लोग अपना पढ़ाई घर से आराम से कर सकते हो दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर जी आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं तो गाइस फटाफट से आ जाओ डी ब्लॉक में आज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चलने वाला है के एम एन ओ फोर और के टू सीआर टू ओ सेवन जिसकी रिएक्शन से आज भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे आ जाओ दोस्तों और अच्छे अच्छे

जहां पर आप लोगों के लिए मैं सेवन पी पर बहुत प्यारी प्यारी क्विजेज लेके आता हूं ठीक है चलो तो दोस्तों उसी के साथ साथ जुलाई जंबो ऑफर की अगर मैं बात बताऊं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का इस समय ऑफर चल रहा है आप लोगों का क्या ऑफर है दोस्त हेलो प्रिंसी क्या हाल चाल है दोस्त अगर वन ईयर का प्राइस है जो कि सिक्सटी फाइव थाउजेंड आप लोगों को यहां पर टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा ठीक है फिफ्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन चल रहा है इस समय और आप यूज करें एस एच यू बी वन रेफ्रेल कोड तो आपको टेन परसेंट और ऑफ होगा दोस्तों आप प्रिंटेड नोट्स ले सकते हैं ट्वेल्व आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे यहाँ पर हमारे ठीक है चलो और उसके साथ साथ दोस्तों नर्चर बैच नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्रू भी स्टार्ट हुआ है आरोहन बैच और दोस्तों बहुत प्यार संजीवनी बैच अतुल्य बैच ऑल इंडिया रिविजन कैंप एंड मॉक टेस्ट दोस्तों उसके साथ साथ प्लस पे भी आपको कौन सा कोड यूज करना है एस एच यू बी वन और दोस्तों इस समय अन अकेडमी लोन भी प्रोवाइड कर रहा है ठीक है तो आप लोग फटाफट फड़ से आ जाओ भाई अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए चलो तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर भैया चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं के टू आर टू सेवन चलो भाई सबसे पहले तो सब लोग शेयर कर लो प्रिंसी नील बाकी सब पे है मेरे दोस्त चलो एक मिनट हाँ तो भाई आ जाओ भाई स्टार्ट करते हैं आप के टू सी आर टू ओ सेवन चलो तो गाइस लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ ठीक है दिख रहा है सबको दिख रहा है ना सबको चलो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज इन द लेदर एंड इंडस्ट्री एज एन ऑक्सीडेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेनी एजो कंपाउंड ऑफ क्रोमाइट ओर तो सबसे पहले क्या हो रहा है दोस्त ध्यान से देखना हमारे एफ ई सी आर टू ओ फोर लिया हमने क्या लिया एफ ई सी आर टू ओ फोर हम लोगों ने एन ए टू सी ओ थ्री से रिएक्शन कराई ठीक हमें क्या मिलेगा दोस्त अब यहां पर क्या CO3 थ्री है क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में व्यापोरेट हो जाएगा आयरन है आयरन को आप क्या करो कभी भी अगर आपको आयरन प्लस टू में मिले आप किस में कन्वर्ट कर दो प्लस थ्री में तो एफ टू ओ थ्री मिल गया अब ये चीज बची Na2CrO4 टू सी आर ओ फोर क्या बचा दोस्त एन ए टू सी आर ओ फोर मतलब Cr2O4 टू ओ फोर से आप किसमें कन्वर्ट हो गए माइनस टू से किसमें कन्वर्ट हो गए सी आर ओ फोर माइनस टू में ठीक नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस अब हम लोगों को CrO4 ओ फोर को क्या करना है एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा एन ए टू सी आर टू ओ सेवन प्लस टू एन ए प्लस अब क्या हुआ CrO4 ओ फोर माइनस को आप लोगों ने क्या किया ठीक है सबसे पहले आपने क्या किया था बेसिक मीडियम में हमने कन्वर्ट कर लिया CrO4 ओ फोर माइनस में और CrO4 ओ फोर माइनस को एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में हमने किस में कन्वर्ट कर दिया Cr2O7 टू ओ सेवन माइनस टू में ठीक है ठीक है दोस्त कलर कौन सा देगा ये ऑरेंज कौन सा कलर देगा दोस्त ऑरेंज कलर देगा ये ठीक है ऑरेंज था ऑर्गेनिक लिख दिया हमने ठीक है चलो अब आ जाओ दोस्त नेक्स्ट टॉपिक पर हमारे लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ देखो दोस्त मैंने अभी एक बात बताई कि सी आर ओ फोर माइनस में हम लोगों ने जब एसिडिक मीडियम यूज किया था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था तब ये दोस्त किस में कन्वर्ट हो गया था सी आर टू ओ सेवन में और जब आपने बेसिक मीडियम यूज करोगे तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा सी आर ओ फोर माइनस टू में ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट टू भी रिमेंबर दोस्त अब हमें एन ए टू सी आर टू ओ सेवन जो है जो अभी तक हमने ऑप्टेन किया था एनआर टू सी आर टू ओ सेवन अब हमें क्या करना है इसको टू सी आर टू ओ सेवन में इंक्रीज करना है वाई बिकॉज पोटेशियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्यूबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट और ज्यादा सोल्यूबल है ठीक है इसीलिए हमें क्या करना पड़ रहा है इसकी रिएक्शन करानी पड़ रही है केसीएल से और यहां पर क्या करना पड़ रहा है एक्सचेंज ठीक ये बात मैंने को समझा दी दोनों वाली बात ठीक है अब स्ट्रक्चर्स देख लो दो, CRO4 के और इसके आपके देखो CrO4- फोर माइनस है तो भाई ओ के ऊपर क्या दे दो आप दो ये और दो हो जाएंगे डबल बॉन्ड ये क्या बन गया आपका सीआरओ फोर माइनस टू ठीक क्रोमियम भी कैसा है आपका टू ओ सेवन माइनस टू है तो दो के ऊपर माइनस दे दो बाकी सबके ऊपर डबल बॉन्ड ठीक है दोस्त जल्दी से बता दो क्या यहां तक समझ में आया दोस्त इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है जो कि है डी थ्री एस चलो द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन CrO4- माइनस एंड डी आर शोन बिलो मैंने आप लोगों को दिखा दिया क्रोमेट आयन इज टेट्राहेड्रल वाई डाइक्रोमेट आयन कंसिस्ट ऑफ टू टेट्राहेड्रल ठीक है शेयरिंग वन कॉर्नर विद सी आर ओ सी आर बॉन्ड शोइंग वन कॉर्नर विथ सी आर ओ सी आर बॉन्ड, ठीक सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम सॉल्ट हैज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सिवली यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिकोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इनिसवन को यूज करते हैं अब सुनना दोस्त एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम की कहानी ठीक दोस्तों देखना सीआर टू ओ सेवन अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी सीआर ओ फोर माइनस टू को अगर मैंने डाल दिया एच प्लस मीडियम तो किसमें कन्वर्ट होगा cr2o7 टू ओ सेवन माइनस टू में फिर मैंने अगर एसिडिक मीडियम डाल दिया जो कि की, H की में है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा Chromium -3 में, कन्वर्ट में हो गया दोस्त क्रोमियम प्लस थ्री में किसमें कन्वर्ट हो गया दोस्त मेरे Cr+3 प्लस थ्री में ठीक अब दोस्त इसका काम क्या है ठीक है सीआर टू ओ सेवन माइनस टू है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो प्लस सिक्स है क्या ये प्लस सिक्स से प्लस थ्री पे जा रहा है सर तो ये खुद क्या हो रहा है सर ये रिड्यूस हो रहा है तो दोस्त ये दूसरे को क्या करेगा तो मतलब ये एक्ट करेगा एज एन ऑक्सी सॉरी यहां तो दिखता नहीं होगा ये एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एम करेक्ट और आई एम करेक्ट ये कैसा दिखेगा दोस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ठीक क्या हो रहा है दोस्त फॉर अब एक बात और सुन लो मेरी एक कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो आपकी आगे हेल्प करेंगे ठीक है कभी भी अगर आपको I माइनस मिले इन रिएक्शन में जहां पर के फोर और के टू सी आर टू ओ सेवन होंगे तो I2 में कन्वर्ट करना और फिर कन्वर्ट होगा आईओ थ्री माइनस में मैंने आज एक पॉइंट और समझाया था कि सल्फर के साथ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा इफ सल्फर इज प्रेजेंट विद ऑक्सीजन देन टू कन्वर्ट इन टू एसओ फोर माइनस टू ठीक और सिर्फ आपका सल्फर होगा जो कि माइनस टू में है तो ये किस में कन्वर्ट होगा आपका सल्फर में ठीक क्या इतनी बातें समझ में आई दोस्तों अब ध्यान से देखना क्या हमारा आई माइनस अगर रिएक्ट करवा दे सीआर टू ओ सेवन से तो क्या होगा क्या ये आई टू में कन्वर्ट हो जाएगा H2S टू तो में एस एन प्लस टू है तो एस एन प्लस फोर में आयरन है तो आयरन एफ ई प्लस थ्री में ठीक चलो एक रिएक्शन देखो अब सीआरू सेवन वेन रियक्ट विद एफ प्लस टू दोस्तों क्रोमियम क्या एसिडिक कंडीशन है तो कन्वर्ट होगा क्रोमियम प्लस थ्री में आयरन किसमें कन्वर्ट होगा आयरन प्लस थ्री में समझ में आई मेरी बात इतनी ठीक अब आ जाओ दोस्त पोटेशियम ट के बारे में ठीक <coughs> है चलो अब पहले वाली चीज तो याद है ना क्या था सबसे पहले हमने सी आर टू ओ फोर लिया था पहली वाली चीज याद है ना मैं उसको यहाँ पे ऐसी साइड में लिख ले रहा हूँ सीआर टू ओ फोर माइनस टू लिया हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया सी आर ओ फोर माइनस में सीआर ओ फोर माइनस में हम लोगों ने एसिडिक मीडियम डाला कन्वर्ट हुआ सीआर टू ओ सेवन माइनस टू में तो इतनी तो चीजें समझ में आ गई प्रिंसी ठीक है प्रिंसी चलो अब आ जाओ दोस्त एमएनओ की बात कर लेते हैं जैसे हम लोगों ने यहां पर सीआर टू ओ फोर लिया यहां पर हम ले रहे हैं MnO2 एन ओ यहां पर हमने कौन सा मीडियम यूज किया था सर जी बेसिक यहां पर भी कौन सा मीडियम यूज करेंगे हम बेसिक है ना तो बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में क्या हुआ हमारा MnO2 किस में कन्वर्ट हो गया MnO2 कन्वर्ट हुआ K2MnO4 टू एम में के में अब आप फिर से ले लो एसिडिक मीडियम तो एम आपका किस में आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरे दोस्त एम माइनस में ठीक है ठीक है यहां तक कोई भी दिक्कत ठीक तो क्या मेरा Cr2O7 टू ओ सेवन और इन दोनों में स्टेप सेम है सर कैसे यहां पर बेसिक है यहां पर एसिडिक है और सेम चीज मैंने आप लोगों को यहां पर भी बताई थी यहां पर भी बेसिक है और यहां पर क्या होता है एसिडिक मीडियम जल्दी से बता दो क्या इतनी बातें समझ में आई चल आ जाओ भाई अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं मैंने क्या बताया एम एन ओ टू की रिएक्शन होगी अगर के ओ एच से तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा एम एन ओ फोर माइनस टू जिसे आप कहते हो मैग्नेट आयन ठीक अब पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे एम एन ओ फोर माइनस में कन्वर्ट करना है तो एसिडिक मीडियम लगा दो बस दोस्तों अब एक चीज में और बताना चाहता हूं देखो अब कभी भी कभी भी ठीक है कभी भी अगर आपका Mn प्लस एम एन माइनस दिया हुआ है ये अगर एसिडिक कंडीशन होगी एसिडिक कंडीशन होगी तो ये किस किसमें कन्वर्ट होगा एम एन प्लस टू में ठीक और यही अगर बेसिक कंडीशन होगी एम एन ओ फोर माइनस की बात कर रहा हूं तो ये किस किसमें कन्वर्ट होगा एम एन ओ टू में अभी रिएक्शंस में हम लोग और आगे बात भी करेंगे इसके ऊपर पहले बता दो इतना समझ में आ गया ठीक दोस्त एक और तरीका बता रहा हूं ठीक है पर मैग्नेट बनाने का एक तरीका और बता रहा हूँ आप लोगों को क्या है सर जी वो एम एन प्लस टू कभी भी अगर आपका एस टू ओ एट माइनस से रिएक्ट किया तो पहली बात तो क्या आ गया सल्फर सल्फर के आते ही सल्फर प्लस ऑक्सीजन है क्या ये एसओ फोर माइनस टू में कन्वर्ट हो जाएगा दिमाग में आ गया तुरंत ठीक Mn plus two है तो Mn plus two किसमें कन्वर्ट हो रहा है MnO4 minus में ठीक है भाई पोटेशन पर मैग्नेट कैसा दिखता है डार्क पर्पल इन कलर होगा कौन सा कलर होगा डार्क पर्पल ठीक K2Cr2O7 का कलर कैसा था ऑरेंज और इसका कलर कैसा है ठीक है इसका कलर कैसा है डार्क पर्पल ठीक कौन सा इसमें वो होगा डी थ्री एस यहां पर भी आपको मिलेगा के टू सी आर टू ओ सेवन और के यही एक टी है कॉमन है कि डी थ्री एस दोनों का हाइब्रिडाइजेशन है प्रिंस समझ में आ रहा है आज इतना ठीक एम एन ओ फोर माइनस टू का क्या कलर है मैग्नेट का ग्रीन कलर है और पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या कलर है पर्पल कलर है ठीक इट हैज टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट इट्स इंटेंस कलर एंड इट्स वीक टेम्परेचर डिपेंड्स पर डिपेंडेंट ऑन पैरा मैग्नेटिज्म इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द यूज ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विच इज बियॉन्ड द प्रेजेंट स्कोप जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है तो अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उससे ठीक है कैसे हैं टेट्राइड्रल इन नेचर है ग्रीन मैग्नेट इज पैरा मैग्नेटिक वायल पर मैग्नेट इज डाई मैगनेटिक याद रखना क्या बोला मैंने मैग्नेट कैसा है पैरा है कलर मतलब ठीक है मैग्नेटिक मैग्नेट आयन कैसा है आपका पैरा मैग्नेट इन और ये एक पर्पल का कौन सा कलर है आपका मैग्नेटिक कलर ये कैसा है मैग्नेटिक इन नेचर बताओ दोस्तों बातें समझ में आई बताओ मेरे दोस्तों बातें समझ में आई क्या अब पाई बॉन्डिंग डज नॉट पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय ठीक है पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ये सब कोई काम की बात नहीं है अब देखो पर पोटेशियम पर मैग्नेट का काम क्या है ये सीधे करेगा ऑक्सीडेशन जैसे सीओ माइनस दिख रहा है तो ये सीधे कन्वर्ट कर देगा सीओ टू को आयरन प्लस टू में दिख रहा है क्या आयरन प्लस थ्री में No2 दिख रहा है क्या ये No3 में कन्वर्ट कर देगा और मैंने I के बारे में अभी बताया थोड़ी देर पहले अगर आई माइनस है तो आई टू में कन्वर्ट करेगा और फिर IO3- थ्री माइनस में कन्वर्ट करेगा चलो अब दिखाता हूं आप लोगों को रिएक्शन ठीक है नाउ लेट्स मूव टू द रिएक्शन ठीक है आ जाओ चलो देखो पहली रिएक्शन ये रही आपकी टेन आई माइन आई माइनस एम एन ओ फोर माइनस एमएनओ फोर किसमें कन्वर्ट होगा क्या एसिडिक मीडियम है सर में आई माइनस किसमें कन्वर्ट होगा सर जी जल्दी बताइए सर जी ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका आई टू में ठीक वैसे ही दोस्त सब आयरन प्लस टू है आयरन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आयरन प्लस थ्री में एम एन ओ फोर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एम एन प्लस टू में रिएक्शन को बैलेंस करना आप सीखोगे रेडॉक्स रिएक्शन में अभी बस मैं ये समझा रहा हूं कि किससे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है सी आर टू ओ फोर सी टू ओ फोर माइनस टू दो सी टू है तो क्या ये सीओ टू में कन्वर्ट हो जाएगा क्या एम एन ओ फोर माइनस आपका एम एन प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा कहीं भी दिक्कत लगे तो बताना जरूर एस माइनस टू है एस माइनस टू मैंने थोड़ी देर पहले बताया सल्फर में एम एन ओ फोर है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा एम एन प्लस टू में So क्या so में कन्वर्ट हो जाएगा क्यों क्योंकि सल्फर के साथ क्या ऑक्सीजन आ रहा है जब भी सल्फर के साथ आएगा एसओ फोर माइनस टू में कन्वर्ट होगा और सल्फर अगर अकेला कहीं दिख गया तो आप इसमें कन्वर्ट कर दो सल्फर में उसको ठीक है प्रिंसी ठीक है दोस्त अब एनओ टू माइनस है तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा एनओ थ्री माइनस में यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा एनओ थ्री माइनस में एम फोर माइनस है तो क्या एम एन प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है दोस्त चल भाई क्या हुआ आज पढ़ने का मन नहीं है क्या नोटेबल रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडेट देखो अब यहां पर दोस्त अब आता है हमारा बेसिक मीडियम का केस हेलो श्रीवी क्या हाल चाल है बहन क्या हाल चाल है <coughs> चल हां तो भाई आ जाओ बेसिक मीडियम है दोस्त बेसिक मीडियम में आई माइनस आपका डायरेक्टली कन्वर्ट होता है आईओ थ्री माइनस में किसमें कन्वर्ट होता है आईओ थ्री माइनस में एम एन ओ फोर माइनस है आई माइनस के साथ एम एन ओ फोर माइनस किसमें कन्वर्ट होगा सर एम एन ओ टू में और आई किस कन्वर्ट होगा आईओ थ्री माइनस में चेक एस टू ओ थ्री है फिर से ओ फोर माइनस टू में कन्वर्ट करो एम एन ओ फोर माइनस है सीधे एम एन ओ टू में कन्वर्ट करो एम एन ओ फोर है तो क्या एम एन ओ टू में कन्वर्ट होगा और दोस्तों तब भी एम एन ओ टू में कन्वर्ट करके छोड़ दो ठीक है प्रिंसी ठीक है शिवी इतनी चीजें समझ में आई शिवी लेट आई हो तो लेक्चर को स्टार्टिंग से देखो बहन बीच में से देखने का कोई मतलब नहीं है या तो फिर उसको बाद में देख लेना अब अपन एफ ब्लॉक चालू कर रहे हैं या तो फिर अब उसको बाद में देख लेना हम लोग अभी इस समय एफ ब्लॉग को स्टार्ट करने जा रहे हैं बताओ कोई दिक्कत एफ ब्लॉग भी हमारे अबाउट हाफ एन आवर का है चलो आज एफ ब्लॉग को भी खत्म कर देते हैं जिससे कि कल हम डी एंड डेफ ब्लॉग के ऊपर कंप्लीटली प्रैक्टिस क्वेश्चन कर पाए ठीक है और अपना काम चला पाए मतलब काम बढ़िया कर पाए ठीक है चलाना नहीं अपन को बढ़िया करना है बढ़िया तो वो गाना सब बढ़िया कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है तो अब आ गए हो तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो कैमो फोर और के टू सी वो सेवन मैंने पढ़ा है आप आ, मतलब थोड़ी देर बाद देख लेना ठीक है अभी बस अभी बस एफ पे फोकस कर लो बिकॉज ऐसा होगा ना फिर आपको अगर आप यहाँ से मतलब आ, अगर आप दोबारा से स्टार्ट करोगे तो फिर डी एंड एफ ब्लॉग उसमें चला जाएगा सॉरी एफ ब्लॉग आपका चला जाएगा पी बैक पोर्शन में तो भी बैक पोर्शन नहीं बनाना हमें नेम्स सिंबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आयनिक स्टेट एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को एफ व्लॉग में ठीक है बिकॉज इस बार से पे, पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है आप लोगों को पता होगा ठीक है कल आ, कल मैं सोच तो रहा रहूँ उसके ऊपर एक वीडियो बनाने का बिकॉज मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं रिलेटेड टू कोडिंग कि सर इसका कोड क्या लिखें हम क्या कोड लिखें तो भाई कोडिंग वाला जो सीन है मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बता दूंगा ठीक है कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं आप लोगों को अभी एक टेबल से पढ़ाऊँगा टेबल एटोमिक एंड डायनिक साइज आओ पढ़ लेते हैं दोस्त सब ठीक है सीख सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है इफ द एलिमेंट्स हैव सेम ऑक्सीडेशन स्टेट तो लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा साइज इज गोइंग टू डिक्रीज ठीक है ठीक है दोस्त डिक्रीज इन दटोमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम लेंथिनम टू लूटियम इज नोन एज लेंट्रेक्शन इसे हम क्या कहते हैं समझ में आ रहा है कि इसकी साइज एटोमिक और आयनिक रेडियाई क्या होने लगेंगी कम होने लगेंगी इट हैज फार रीचिंग इट हैज फार रीचिंग कंसिक्वेंस इन द केमिस्ट्री ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द एलिमेंट द डिक्रीज इन एटोमिक रेडियाई द डिक्रीज इन एटोमिक रेडियाई इज नॉट क्वाइट रेगुलर एज इट इज रेगुलर इन एम प्लस थ्री एन ठीक है मैंने अभी बताया कि ठीक है अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो आराम से वो कंटिन्यू गिरता चला जाएगा ठीक है अभी नाम याद दिला देंगे करा देंगे दो मिनट में दोस्त अभी पहले आगे देखते हैं अपन ठीक है द कॉन्ट्रेक्शन इज ऑफ कॉज सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज इज एट्रीब्यूटेड टू द सेम कॉज इम्परफेक्ट क्या इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय द अनदर इन द सेम सबशेल मतलब यहाँ पर एफ की फाइव ठीक है फाइव एफ हो गया सिक्स डी हो गया और सेवन एस हो गया इन सब की मैंने आज भी पूछा था एक क्वेश्चन में आप लोगों से इन सब की क्या एनर्जी लेवल क्या हो जाता है सेम हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है एनर्जी लेवल क्या हो जाता है सेम हो जाता है इस वजह से आपकी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इंक्रीज कर जाती है ठीक है ठीक है द इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन क्रॉसिंग द रेडियाई ऑफ द मेंबर ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज टू बी वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ दो करस्पॉन्डिंग द ठीक है अब देखो दोस्त अब मैं एक बात समझा रहा हूं यहां से एक पॉइंट से देखो हम लोगों ने जो लेंथनॉइड के अंदर पढ़ा जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ये क्या है कॉन्ट्रेक्शन जो लेंथनॉइड के अंदर हो रहा है उसे कहते हैं ठीक है दोस्त लेंथनॉइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से लेंथनॉइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो हमारा सिक्स डी है और जो हमारा फाइव डी है इन दोनों की साइज कैसी हो जाती है अबाउट अबाउट सेम ठीक है सॉरी फोर डी एंड फाइव डी की जो साइज हमारी वो कैसी हो जाती है अबाउट अबाउट सेम ठीक है ड्यू टू देंथनॉइड कॉन्ट्रेक्शन फोर डी सीरीज और 5D डी सीज की और ये जो हम लोग 4D और 5D में कन्वर्ट कर रहे हैं ये क्या है ये क्या है मेरी बहन लेंथनॉइड अफेक्ट क्या इतनी बात समझ में आई प्रिंसी श्रिवी प्रिंसी और श्रीवी जल्दी से बताओ क्या इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को दिखती रही है न स्क्रीन अच्छे से प्रिंसी और श्रीवी जल्दी से बताओ क्या इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को प्रिंसी शिवी बाकी मेरे दोस्तों आज नील नहीं आए पूजा भी नहीं आई और भी बहुत सारे बच्चे नहीं आए क्यों नहीं आए भाई आज तो जबकि एफ ब्लॉग पढ़ने का आखिरी मौका है ठीक है तो बस इतनी सी बात होती है एक्चुअली ठीक है अच्छी बात है आप आ गए ठीक है बस इतनी सी बात होती है मैं इसलिए बार-बार आप लोगों से कहता हूँ बिकॉज़ आई नो कि यार जैसे एक बार टॉपिक हो जाएगा जैसे आज ए व्लॉग है छोटा सा टॉपिक है हाफ एन आवर का भी टॉपिक नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग को फटाफट से खत्म कर लेना चाहिए है ना हेलो भाई बेबी लाइट गेमिंग ठीक है तो आज क्विज uh, में तो मजा आया होगा अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जो क्विज करी थी आज हम लोगों ने ठीक है चलो आ जाओ दोस्त इन थर्ड एंड लेंथेनियम थर्ड कंपाउंड्स आर प्री लेंथेनॉइड एंड लेंथेनियम एंड इलेक्टनॉइड आ प्रीडोमी स्पीशीज ठीक है ओकेजनली प्लस टू प्लस फोर आय इन द सॉल्यूशन और इन सॉलिड

अब देखो अब दो, दोस्तों एक बात याद रखना कि इनकी आदत क्या है प्लस थ्री में जाने की इनकी आदत क्या है प्लस थ्री में जाने की बिजी बिजी किसके साथ देखो सीई प्लस फोर तो सीई प्लस थ्री में जाएगा ठीक देखो सेलिडियम प्लस फोर में स्टेबल होता है लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको प्लस थ्री पे तो जाना ही पड़ेगा अब एक बात बताओ दोस्त अगर क्या ये खुद क्या हो रहा है क्या ये रिड्यूस हो रहा है तो क्या सेलिनियम एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओवर किस्तों को समझ में आई ये बातनियम प्लस फोर विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है जल्दी से बताओ कितनों को समझ में आई कि सेलिनियम प्लस फोर विल एक्ट एज द चलो अच्छी बात है चलो आ जाओ अब लेकिन उसको मत बताना कि मैं कह रहा था ऐसा कुछ ठीक है चलो आ जाओ दोस्त सब अब दोस्त प्लस फोर में और कौन कौन एग्जिबिट करेगा प्लस फोर में एक तो हो गया आपका सेलिनियम ठीक है दूसरा आपका पीआर एनडी TB एंड DY. तो उसमें इसलिए ना एवलॉग हमेशा हमेशा आप लोगों को एनसीआर टी से ही पढ़ाता हूं और आप लोगों से कहता भी हूं कि आप लोग एनसीआरटी में मेरे साथ साथ मार्क भी करते चलो ठीक है ठीक है तो भाई क्या क्या हो गया हम लोगों ने सी पी आर एन डी टी बी एंड ये तो ये सारे के सारे कैसे एक्ट करेंगे सर ऑल आर एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक ईयू प्लस टू अब देखो दोस्त ईयू प्लस टू है क्या ई यू प्लस टू में स्टेबल है दोस्त क्या ये प्लस थ्री में जाएगा जाएगा ना भैया खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा सर जस्ट जब ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो तो ये कैसे करेगा सर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये काम करेगा ठीक ठीक है अब देखो दोस्त Plus two and plus two and plus two. ये दोनों किसमें कर रहे हैं प्लस टू में ठीक है और तुम्हारा ये क्या था पर ND, TB, DY. ठीक, है? ठीक है ठीक है ठीक है आज नील के बारे में हम लोग कुछ बात भी करने वाले हैं उसे बाद बताना आ जाओ इसको याद करना है ना सीने पर सीने पर नदियां प्रेम की समाई यू की समाई यू गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यब लुटवाए क्या है दोस्त सीने पर नदियां प्रेम की समाई यू गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यब लुटवाए ठीक है ठीक है ठीक है दोस्त यहां पर दो पाप होते हैं टू और एट ठीक जैसे हम लोगों ने एफ ब्लॉग में पढ़ा था ठीक है वहां पर हमारा पहले वाले सीरीज में फोर और नाइन हमारा पाप था ठीक है और दूसरे वाले में वन टू दूसरे वाले में ट्वेंटी एट पा, हमारा पाप था तो वैसे यहां पर भी हमारे कुछ पाप हैं जो कि हमें नहीं करने जो कि एट सबसे पहला है ट्वेंटी एट मतलब में टू और एट को आने देने मत देना ब्लॉक में और को मत आने देना ठीक है ठीक है चलो और किसको मत आने और किसको नहीं आने दोगे और सेवन और फोर्टीन को क्या करना है रिपीट अब आ जाओ दोस्त मैं आप लोगों को एक बार खाली पेज पे लिख के दिखा देता हूं दैट विल बी मोर फाइन ऑप्शन चलो भाई नील भैया को एक बार फिर से याद करते हैं अपन सीने पर नदियां प्रेम की समाई यू गद गद तब दिल हुआ अरे तुम यब लुटवाए ठीक है अब देखो क्या क्या होगा सर यहां पर होगा आपका फाइव डी सॉरी सिक्स डी फाइव डी होगा सॉरी ठीक है फाइव डी हो गया सिक्स एस हो गया फोर एफ हो गया ठीक है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका कहां जाएगा इसमें याद क्या रखना है टू और एट क्या है पापी ठीक और सेवन और फोर्टीन को क्या करना है रिपीट बाबा ठीक है तो भाई सबसे पहले बात करते हैं सीने की सलीनियम की तो फाइव डी वन फोर एफ वन सिक्स एस टू ठीक अब क्या होगा सर टू तो आ नहीं सकता अगर आप यहां पर अगर आप यहां पर टू लिखते हो अगर आप लोग यहां पर टू लिखते हो दोस्त तो ये तो होने नहीं वाला तो वन को कहां शिफ्ट कर दें इधर तो ये क्या हो जाएगा थ्री सिक्स एस टू ये जीरो ठीक नदियां नदियां क्या हो जाएंगी सर जीरो सर ये फोर फिर ये टू फिर क्या होगा दोस्त जीरो फाइव टू सेवन टू दोस्त अब क्या भाई अब सेवन पे रिपीट करना पड़ेगा तो क्या होगा वन सेवन टू तब क्या होगा सर हो जाएगा वन है ना वन अब एट तो आ नहीं सकता तो फिर से जीरो कर देते हैं जीरो एट जीरो नाइन टू प्रिंसी समझ में आ रहा है श्रीवी समझ में आ रहा है फिर जीरो टेन टू जीरो इलेवन टू जीरो ट्वेल्व टू जीरो थर्टीन टू जीरो फोर्टीन टू ठीक है अब ये हो जाएगा वन फोर्टीन टू ठीक है बस आपको याद इतना सा रखना है टू और एट क्या है पापी और सेवन और फोर्टीन को क्या करना है रिपीट ठीक <coughs> चलो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया अब आ जाओ जनरल कैरेक्टर की बात कर लेते हैं मैन ऑल द लेंथनॉइड आर सिल्वरी व्हाइट सॉलिड मेटल एंड टार्निश रेपिडली इन एयर द हार्डनेस इंक्रीजेस विद इनक्रीजिंग एटोमिक नंबर ठीक है एंड सैमेरियम बींगरियम का सबसे हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है ठीक है ठीक है सेमेरियम मेल्ट एट सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री कैलवन ठीक है तो हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया सेमेरियम ठीक दे हैव टिपिकल मेटलिक स्ट्रक्चर एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर यू बी एंड ओकेजनली फॉर सरियमेरियम ठीक है डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज चेंजेस स्मूथली सब में चेंज तो होगा ही होगा लेकिन स्मूथली हो रहा है एक्सेप्ट फॉर यू वाई बी एंड समेरियम एट एमेरियम यह कुछ खास पॉइंट नहीं है नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा फर्स्ट पॉइंट क्या है सेमेरियम का हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है ठीक है बोथ द ट्राइवेलेंट लेंथनोइड आय आर कलर्ड बोथ इन द सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस मीडियम ठीक है कौन कौन से कलर्ड है आपकी ये देख लेना ठीक लेंथोनियम एंड ल्यूथियम आयन शोज एनी कलर बट रेस्ट डू सो ठीक है नियम और लूथियम ही आपके कलर शो नहीं करेंगे बाकी के सारे के सारे आपके कलर शो करेंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन तो मैं साफ लिख दे रहा हूं सेकेंड पॉइंट नंबर एल ए प्लस थ्री एंड लूथियम प्लस थ्री डज नॉट शो एनी कलर पॉइंट नंबर टू इसको अलग से कॉपी में नोट कर लेना बहन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है द एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर नैरो टिक ठीक मतलब है ठीक है लेंथनवाइड अदर देन लेंथ एलेनियम देखो अब बाकी सारे के सारे कैसे हैं पैरा मैग्नेटिक एक्सेप्ट बाकी सारे के सारे कैसे हैं पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट एलई प्लस थ्री सेमेरियम प्लस फोर वाई बी प्लस टू एंड लूथियम प्लस टू लूथियम प्लस थ्री ये आपका हो गया पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर थर्ड विच यू हैव टू रिमेंबर फोर्थ पॉइंट क्या है पैरामैग्नेटिज्म मैग्नेटिजम राइजेज मैक्सिमम टू नियोटाइनियम तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म अब अप तो टू नियो ठीक द फर्स्ट आइनाइजेशन इन ऑफ द लेंथनोइड्स आर अराउंड सिक्स हंड्रेड किलो जूल पर मोल द सेकंड अबाउट ये कंपेरेबल विद दोज ऑफ कैल्शियम को याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है कुछ भी मतलब नहीं है यहाँ पर ठीक है ये सब कुछ ही दो ये पूरी टेबल आप चाहो तो काट सकते हो जनरल द अर्लियर द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव टू कैल्शियम देखो ये बात साफ लिखी हुई है कि रिएक्टिव कितने कैसे हैं कैल्शियम की तरह बट बिहेव कैसा करते हैं अल्मोनियम की तरह क्या होता है इनका प्लस थ्री कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आप सबको पता है ये बात तो अब देखो दोस्त ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है एल टू ओ थ्री एसिड के साथ बना रहा है तो एस टू बन रहा है और एल जो भी आपका गैसिड होगा ठीक हेलोजन के साथ एल एन एक्स थ्री एच टू ओ के साथ एल एन -OH का होल थ्राइस और एच टू एल एन सी बस एल एन सी टू के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो गई वैसे होना क्या चाहिए था एल एन फोर सी थ्री लेकिन यहाँ होता क्या है एल एन सी टू ये हो गया आपका एक्सेप्शन जो कि आपको रखना है याद ये हो दो. गया आपका पॉइंट नंबर फाइव ठीक है दोस्त दोस्त मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं तो बत, गलती मत करो याली अब ठीक है दिस इज ऑफकोर्स अ स्मॉल वेरिएशन मेटल कंबाइन विद ठीक है ये सब हो चुका है प्रोडक्शन ऑफ अलॉय स्टील ऑफ प्लेट एंड पाइप पॉइंट नंबर सिक्स इज ऑल्सो नोन एज मिश मेटल विच कंसिस्ट ऑफ लेंथनॉइड मेटल आयरन एंड ये ठीक है एस सी का एलुमिनियम ठीक है ठीक है ठीक, ठीक इज यूज इन मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रपेयर ब्लिट्स ये सब कुछ नहीं एक बार ये देख लेना बस रटने की कोई जरूरत नहीं है वैसे इसको भी आता नहीं है जल्दी तो यहां पर मैंने आप लोगों को फाइव पॉइंट दिए हैं ठीक है तो इन फाइव पॉइंट्स को ही आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है बस यहाँ पर दोस्तों ठीक है यहां पर आपके सिर्फ फाइव पॉइंट्स हैं इन्हीं को आपको याद करना है अच्छे से ठीक है और सिक्स और सेवन पॉइंट क्या था हमारा जो कि हम लोग आगे आपको बता चुके हैं ईयू प्लस टू और वाई बी प्लस टू दे शो प्लस टू से प्लस थ्री में जाएंगे ये हमारे ठीक है चलो अब आ जाओ दोस्त एक्टिनोइड पर यहां पर देखना बल तो ट्रिक देखना थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में नील भैया गए होंगे ना कैफे में कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ ठीक है क्या है दोस्त थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में ऐसे शर्माओ मैडम नाश्ता लाओ ठीक है थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे ठीक है पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ ठीक है शिविर ठीक है प्रिंसी एम आई क्लियर टू यू बोथ एम आई क्लियर नाउ ठीक है अब यहां पर भी कुछ पाप हैं जो कि आपको नहीं करने क्या पाप हैं सर वन फाइव और एट आपको नहीं करना ठीक चलो देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं डी सेवन एस टू और फाइव एफ ठीक है मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं ठीक है अब देखना सबसे पहले वन को नहीं लाना है आपको तो वन को नहीं लाना तो एफ में वन आ नहीं सकता तो कहां जाएगा डी में ठीक है तो क्या हो जाएगा सिक्स डी टू सेवन एस टू ठीक है प्रवास कौन है यार यार भाई यार ऐसी ये प्रवास कौन है सबसे पहले तो ये बता दो यार कम से कम देखो तो कंपेयर किससे किया दोस्त ने बताओ भाई यार चलो भाई नहीं बताया भाई ने यार प्रभास कौन है चलो कोई बात नहीं देखो अब तो भाई अब क्या करें हम तो वन तो आ नहीं सकता हमारा तो हम लोगों ने क्या किया सीधे सीधे क्या किया सिक्स ठीक है वन आ नहीं सकता तो हम लोगों ने ये कर दिया अब फाइव एफ में क्या करें सर फाइव एफ में वैसे जाना चाहिए वन लेकिन वन तो आप लिख नहीं सकते तो क्या वन प्लस वन कर लें क्या सिक्स जी से भी एक वन ले लें तो क्या ये वन प्लस वन टू हो जाएगा फिर थ्री फिर फोर अब भाई फाइव आ नहीं सकता तो क्या फिर से एक लग, डी से और ले सिक्स कर दें देवन फिर सेवन को दो बार रिपीट कर दो क्या हो जाएगा सर सेवन फिर से हो जाएगा हो जाएगा अब पर आपने एक इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया गरीब को एट आप लिख नहीं सकते तो फिर से इस इलेक्ट्रॉन को छीन लें तो क्या हो जाएगा सर नाइन फिर से आपने उसको छोड़ दिया ऐसे गरीब को दस ग्यारह बारह तेरह फिर भाई फोर्टीन पे अब रिपीट करना चालू कर दो फोर्टीन ठीक है फोर्टीन पे रिपीट कर दो समझ में आया प्रिंसी समझ में आया श्रिवी देखो अब एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट द अर्लियर एलिमेंट है लॉन्गर हाफ लाइफ लेटर वंस भाई तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो ज्यादा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे नहीं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने आप लोगों को दिखा दिया पूरी की पूरी आइनिक साइजेस भाई सेम चीज रहेगी आइनिक साइजेस भी सेम चीज रहेगा क्या रहेगा ग्रेजुअली डिक्रीज इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो देयर इज ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच इज इन पार्ट एट्रिब्यूटेड टू 5f 6d 7s लेवल आर ऑफ कंपैटिबल energies ठीक है भाई यहां पर ना एक्चुअली प्लस थ्री और प्लस फोर में बहुत डिफरेंस है अब आ जाओ तो क्या था थोड़े पहलवान थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे पुराने आम कम बिकेंगे बिकने तक में याद रखना है हमें ठीक है जब तक हम बिक नहीं जाते तब तक हम लोग कैफे में कैसे जाएंगे ठीक है तो भाई पहला हो गया फोर थ्री फोर फाइव अब आप एक एक करके बढ़ाते जाओ थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फिर बढ़ा दो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब आप कम करते चल जाओ सिक्स हो जाएगा फिर फोर हो जाएगा फिर आपका फोर बाद में तो थ्री 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 है ठीक है फ्रिंसि ठीक है थोड़े में क्या हुआ फोर क्योंकि तो कम से कम थोड़ा फोर है फिर पहलवान में थ्री फोर फाइव फिर आप सिक्स कर दो फिर आप सेवन कर दो सेवन को दो बार रिपीट करते थे हम लोग फिर आप कम करके सिक्स पे ले आओ फिर फोर पे ले आना फिर फोर पे ले आना ठीक है आर सिल्वरी इन अपीयरेंस बट डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स द स्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी इज ऑब्टेन्ड

भाई कोई खास बात नहीं है यहाँ पर ठीक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टनॉइड आर मोर कॉम्प्लेक्स देन देंथनॉइड ठीक है ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर सेकेंड गुड इवनिंग भाई रवि नीट एंड यूपीएससी वही रवि है कि कोई और है नीट एंड यूपीएससी जो एक अन दोस्त आता है वही है कि भाई डिफरेंट हो आप ठीक है अरे चलो ऑल दो द वेरिएशन इन द मैग्नेटिक सेप्सबिलिटी ऑफ द एक्टिनोइड विद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड फाइव एफ इलेक्ट्रॉन इज रफली पैरल टू द करस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट फॉर द भाई कोई खास बात नहीं है ठीक है एक्टिनोइड वैसे भी जल्दी पूछते नहीं है अच्छा डिफरेंट ओके okay. तो भाई बस आज के लिए इतना ही ठीक है आज के लिए बस इतना ही एक बार इसको रीड करना चाहो तो कर लेना वैसे इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ठीक है मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके से आते हैं बिकॉज़ भाई actinoid की अगर कोई नीचे होता तब ना कंपेयर करते ठीक है ठीक है प्रिंसी ठीक है श्रीवी जल्दी से बता दो कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई तो भाई इसी के साथ आज हमारा डी एंड एफ ब्लॉक खत्म होता है अब डी एंड एफ ब्लॉक के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कल तो वही क्लास होगी नहीं मेरी यूट्यूब पे कल मेरी क्लास होगी अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए तो भाई हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको हम लोग दो दिन के अंदर अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो भाई आज के लिए तो बस ये इतना ही होगा हमारा ठीक है दोस्त हाँ भाई मैं गोरखपुर से हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इसको हम लोग दो दिन में ख़त्म करेंगे फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में पूरी कोशिश रहेगी अगर बाई चांस हमें रिक्वायर पड़ेगा तो हम थर्ड लेक्चर भी ले लेंगे ठीक है बाकी कल कोई क्लास नहीं है परसों क्लास है कल हमारी एक क्लास है हाँ कल हमारी क्लास है इस पे? पर अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हम करेंगे फिर से क्विज डी एंड एफ ब्लॉक की ठीक है चलो तो आज के लिए दोस्तों इतना ही बाय बाय हैव अ ग्रेट डे गुड नाइट बाय शेयर करो लेक्चर्स को प्लीज